हेलो लोनस, वंस अगेन यू आर ऑल वेलकम्ड। आज का जो लिटरेरी टर्म सेशन में हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो टर्म है आपका टचस्टोन मेथड। टचस्टोन का जैसे कि लिटरेरी मीनिंग हम जानते हैं क्या होता है, एक ये भी कह सकते हैं कि किसी तरह से किसी चीज़ को किसी वे से टेस्ट करना, कसौटी एक टाइप में। तो ये मेथड जो है किसने दिया है और ये मेथड जो हमारा है किस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है लिटरेचर में, तो देखिए जानेंगे। टचस्टोन मेथड इज़ ए कंपेरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये मेथड माना जाता है, एक कंपेरेटिव मेथड है क्रिटिसिज्म का। द टर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन प्रीफेस टू द वॉल्यूम ऑफ 1853 पोएम्स। टर्म को इंट्रोड्यूस किया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। जैसे कि हमने ऊपर जाना है, कंपेरेटिव मेथड है क्रिटिसिज्म का, जांच करने का, टेस्ट करने का लिटरेरी वर्क्स को। और ये किसने दिया है टर्म? मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है। मैथ्यू आर्नोल्ड का ही जो मेथड है ये। इट इज शॉर्ट कोटेशन फॉर्म फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज पोएटिक मास्टरपीस द स्टडी ऑफ पोएट्री। इनका आर्नोल्ड का एक वर्क है स्टडी ऑफ पोएट्री, 1880 में ये पब्लिश हुआ है, 1880 में। और वहाँ से एक कोटेशन है ये, टचस्टोन मेथड वहाँ से लिया गया है। टू प्राइमरी टूल्स फॉर जजिंग इंडिविजुअल पोएट्स कंपेरिजन एनालिसिस। तो देखिए, जो टचस्टोन मेथड के दो टूल हैं जिनके बेस पे जजमेंट किया जाता है इंडिविजुअल पोएट्स का, वो कौन से? कंपेरिजन एंड एनालिसिस। तो कौन से जो मेथडोलॉजी यूज की जाती है? कंपेरिजन एंड एनालिसिस। आर्नोल्ड आइडियल पोइट्स वर, जब उन्होंने टचस्टोन मेथड से उन्होंने जो जजमेंट किया है उसके बेस पे उन्होंने दो तरह के पोइट्स को डिवाइड किया। तो आइडियल पोइट्स हैं जो जिनमें परफेक्ट जीनियस हैं, जो बेस्ट जीनियस हैं, और दूसरे जो ऐसे जो सॉर्ट ऑफ द बेस्ट जीनियस हैं। तो देखिए, जो आर्नोल्ड के आइडियल पोइट्स इसमें इंक्लूड है होमर, सोफोक्लीज, होमर, डेंटे, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड गोथे। तो देखिए, होमर सोफोक्लीज एंशिएंट से हैं और वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन है, ये हमारे मॉडर्न से हैं। तो देखिए, इनके अंदर जो आइडियल क्यों बोला गया था कि इनका पोइटिक जीनियस जो है वर्ड्सवर्थ इन्होंने आर्नोल्ड ने टचस्टोन मेथड के अकॉर्डिंग जो था कंपेयर और एनालिसिस इन्होंने कंपेरिजन से किया था, तो उस बेस पर ये सही पाए गए। तो इनको इन्होंने आइडियल पोइट्स की कैटेगरी में डाला है। लेकिन हु आर पोइट्स फॉल शॉर्ट ऑफ द बेस्ट? तो कौन से? चौसर, ड्राइडन, पोप और शैली। तो चौसर, ड्राइडन, पोप और शैली वो जो टचस्टोन मेथड के अकॉर्डिंग इनके उस बेस पे ये हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो कसौटी पे नहीं खड़े उतरे, इसलिए इनको बोला गया कि ये इनमें कमियाँ थी। और कमियाँ किस तरह की थी? जो मोस्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा था कि सीरियसनेस की कमी थी, जो हाई सीरियसनेस होता है वो लैक करते हैं ये सभी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ आर्नोल्ड्स टचस्टोन मेथड किस बेस पे है ये? द रियल क्लासिक्स कैन सर्व एज द टचस्टोन। वो कहते हैं कि जो हमारे क्लासिक्स हैं, हमारे शास्त्रीय, हमारे पुराने जो है वो टचस्टोन का काम करते हैं, बाय विच द मेरिट ऑफ कंटेम्प्रेरी पोएटिक्स वर्क कैन बी टेस्टेड। यानी हम जो टचस्टोन मेथड से ये इन्होंने टेस्टिंग की है कि जो क्लासिक्स का जो वर्क था वो कैसा था, उसके आधार पे, उसके बेस पे हम कंटेम्प्रेरी जो हमारा मॉडर्न पोइटिक्स वर्क है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ये इसका टचस्टोन मेथड का एक सेंट्रल आइडिया रहा है। अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ टचस्टोन मेथड चौसर फेल्स टू प्रेजेंट। चौसर के उन्होंने काफ़ी इस मामले में इनको क्रिटिसाइज किया है आर्नोल्ड ने कि हाई सीरियसनेस इन हिज वर्क, कि लैक ऑफ हाई सीरियसनेस इन हिज वर्क। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड हाई सीरियसनेस इज द बेसिक एसेंस ऑफ एनी ऑथेंटिक पोइट्री। आर्नोल्ड मानते हैं कि जो हाई सीरियसनेस होता है ना वो एसेंस होता है किसी भी ऑथेंटिक पोइट्री का, और जबकि वो कहते हैं कि वो चौसर जो है वो लैक करते हैं इस हाई सीरियसनेस को। ही कंपेयर्स चौसर विद डेंटे। उन्होंने चौसर को कंपेयर किया है किसके साथ? डेंटे के साथ। तो देखिए, टचस्टोन मेथड के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लर्नर्स, वो जनरली पूछते हैं कि ये मेथड किसने दिया है? आर्नोल्ड ने दिया है। और कौन से वक्त में दिया है? स्टडी ऑफ पोइट्री 1880 में दिया है। और
मतलब ये वहाँ से एक कोटेशंस के तौर पे रहा है, और वैसे इंट्रोड्यूस ये टर्म है वो अर्नोल्ड ने प्रीफेस टू वॉल्यूम ऑफ 183 पोइम्स में कर दिया था इसको। लेकिन जो मास्टरपीस रह स्टडी ऑफ पोइट्री 1880 में, वहाँ से ये टर्म जो है हमारी हमारे सामने आई है, और एक कोटेशन के तौर पे। और अगर हम देखें, ये भी पूछा सकते हैं टूल्स कौन से, तो कंपैरिजन एनालिसिस, और कौन से पोइट्स को आइडियल मानते हैं, तो होमर, सोफोक्लीस, डेंटे, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड गॉथे, और किसको कमी मानते हैं, चौसर, ड्राइडन, पोप और शेली। और चौसर में क्या कमी निकली उन्होंने कि हाई सीरियसनेस लैक करते हैं। तो दिस ऑल फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपडेट्स। दिस ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।